मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारे आंकलन कार्यपत्रक 5 को, जो कि आपको मिला है 18 सितंबर 2021 को, और ये हमारा पठित गद्यांश के ऊपर आधारित है। तो पठित गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्नों को हल करना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं रहता जितना कि अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करना होता है, क्योंकि जो चीज़ पहले से हमने पढ़ी हुई होती है उसको बड़े अच्छे से हम समझते हैं, पूरी जानकारी हमारे पास होती है। तो अगर मैं इस गद्यांश को नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि हम देख सकते हैं ये हमारा नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है, और नेताजी का चश्मा पाठ तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, पूरी कहानी को समझ चुके हैं, अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी हम कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इन पंक्तियों को नहीं पढ़ती हूँ, इस पठित गद्यांश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, और मुझे प्रश्नों के उत्तर देने पड़े तो मैं बड़ी आसानी से दे सकती हूँ। जैसे कि आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से अपने आंकलन कार्यपत्रक को हल करते हैं, बिना गद्यांश को पढ़े हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं, है ना मजेदार? चलिए देखते हैं क्या हम कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, नेताजी का चश्मा नामक पाठ किस शैली में लिखा गया है। तो अगर हम बात करें नेताजी का चश्मा पाठ की, तो यहाँ पर व्यंगात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। व्यंगात्मक शैली में हंसी मजाक में हम बहुत महत्वपूर्ण बातें कह देते हैं, तो इस पाठ के माध्यम से सच्ची देशभक्ति के बारे में बताया गया है, और बड़े हंसी मजाक के माहौल में ये जो कहानी है आगे बढ़ती है और किस तरह से व्यंग करती है, तो यहाँ पर व्यंगात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ये कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है। इस कहानी में हम किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में नहीं, राजभक्ति के बारे में नहीं, देशभक्ति के बारे में। बिल्कुल ये जो हमारी व्यंगात्मक कहानी है ये देशभक्ति के बारे में है, समाज के बारे में कह सकते हैं, लेकिन समाज से ज्यादा देशभक्ति के बारे में हमारी कहानी सोचने को मजबूर करती है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, काला मोटा और खुश मिजाज आदमी कौन था? आप सभी जानते हैं पान वाला था, जो कि काला था, मोटा था और खुश मिजाज था, हमेशा अपने मुंह में पान ठूस कर रखता था, और जब भी कोई उससे बात करता, जैसे कि हालदार साहब बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं पान वाले से, तो बात करने से पहले वो अपने पान को पहले थूकता था और उसके बाद जवाब देता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4, इस पाठ में हमें किस विषय में सोचने की प्रेरणा मिलती है? क्या नेता देश के लिए कुछ करते हैं? क्या कैप्टन देश के लिए कुछ करता है? क्या सैनिक देश के लिए कुछ करते हैं? क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूँ? तो सबसे सही विकल्प हमारा क्या होगा? क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूँ? मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ? अपने बारे में सोचने के लिए प्रेरणा देता है। नेताजी का चश्मा कौन बदल देता है? आप सभी जानते हैं नेताजी का चश्मा बदलने का काम कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला। अगला प्रश्न है, गिराक शब्द से अभिप्राय है। अब गिराक हमारा स्थानीय भाषा का शब्द था, और इसका अर्थ क्या है? ग्राहक, जो कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, उसी को स्थानीय भाषा में कैसे लिखा गया है? गिराक। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाले की क्या प्रतिक्रिया थी? हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाला पहले हंसता है, आंखों ही आंखों में हंसता है, तो क्या प्रतिक्रिया की उसने? हंसने की, हंसा। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, किसने कहा? हालदार साहब ने कहा। हालदार साहब जब देखते हैं कि मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है, तो बड़ा ही प्रभावित हो जाता है और कहता है, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, ये विचार तो बड़ा ही अनोखा है, जो कि किसी के मन में आ ही नहीं सकता। कैप्टन चश्मे वाला बार बार चश्मे बदलता है मूर्ति पर, और मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? तो इसी प्रश्न के साथ साथ इसका उत्तर भी हमारा हो जाता है, कैप्टन को बगैर चश्मे वाली मूर्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, उनको लगता था चश्मे के बिना नेताजी को असुविधा हो रही है। दरकार शब्द का पर्यायवाची है। अब दरकार होता है जरूरत होना, आवश्यकता होना या मांग करना। जब कोई ग्राहक आता था कैप्टन चश्मे वाले के पास और उसको दरकार होती थी किसी नए चश्मे की, वैसे ही चश्मे की जो मूर्ति पर लगा होता था, यानी कि वो मांग करता था या उसको जरूरत होती थी या उसको आवश्यकता होती थी, तो तीनों ही विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। तो उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे। देखा आपने, मैंने गद्यांश को बिल्कुल नहीं पढ़ा और बिना पढ़े सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आसानी से दे पा रही हूँ। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पठित हमारे जो गद्यांश होते हैं, पठित हमारे जो काव्यांश होते हैं, उनको हल करना आसान होता है। जो अपठित गद्यांश और काव्यांश होते हैं उसमें हमें नहीं पता होता किस तरह की बातें होंगी, इसलिए उसको बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम अपना काम तो कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बच्चों, पिछले सप्ताह में आपने नेताजी का चश्मा गद्य का अध्ययन किया।
आपने देखा पिछले सप्ताह हमने नेताजी का चश्मा पाठ से पठित गद्यांश को हल किया था अपने कार्यपत्रकों में, और इस बार आंकलन कार्यपत्रक के रूप में हमें यही दे दिया गया है। नेताजी का चश्मा नामक पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। इसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। इस कहानी में व्यंगात्मक शैली में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? व्यंगात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है, और मार्मिक मुद्दा कौन सा है? देशभक्ति का मुद्दा। व्यंगात्मक शैली से तात्पर्य है हंसी मजाक में गंभीर बात इस तरह से कहना कि सुनने पढ़ने वालों को बुरा भी न लगे और अपनी बात भी कह दी जाए। तो यहाँ पर देशभक्ति के बारे में बड़ी ही मार्मिक बातें बताई गई हैं, लेकिन हंसी मजाक के तौर पर बताई गई हैं। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है। तो इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? देशभक्ति के बारे में बताया गया है। सच्ची देशभक्ति क्या है हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसमें कौन कौन योगदान देते हैं? क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ? सच्ची देशभक्ति में कौन कौन योगदान दे सकता है? क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ? ये हमें सोचने की प्रेरणा देता है। आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने बने गोलों को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार एक अंक का है। तो बड़ा ही आसान सा हमारा आंकलन कार्य पत्रक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पंक्तियाँ दी गई है जो कि नेताजी का चश्मा पाठ से दी गई है। आइए अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कौन था? पान वाला। और उसके मुंह में क्या ठुसा हुआ था? पान ठुसा हुआ था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, और जैसे ही हालदार साहब ने उससे प्रश्न पूछा तो आंखों ही आंखों में हंसता है, मुंह से तो हंस नहीं सकता क्योंकि मुंह में पान ठुसा हुआ है। उसकी तोंद थिरकी। तोंद होता है मोटा पेट, थिरकना यानी कि हिलना। और जैसे ही वो हंसता है तो उसकी मोटी तोंद जो है, उसका मोटा जो पेट है वो हिलता है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। अब पान ठुसा हुआ है तो उत्तर तो नहीं दे सकता, तो सबसे पहले तो अपने पान को थूकता है और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोलता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है? चश्मे बदलने का काम करता है, क्योंकि हालदार साहब ने पान वाले से यही सवाल पूछा था कि चश्मे बदलने का काम कौन करता है, मूर्ति पर हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। चश्मा चेंज करना, चश्मा बदलने का काम कौन करता है? कैप्टन। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो। अब ग्राहक हमारा स्थानीय भाषा का शब्द है। ग्राहक क्या होता है? ग्राहक होता है। उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी कि उसको इस तरह का चौड़े चौखट वाला चौकोर चश्मा चाहिए। और मान लो कैप्टन चश्मे वाले ने ये चश्मा पहले ही मूर्ति पर पहनाया हुआ है, तो कैप्टन किधर से लाएगा? वो तो चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है, तो कैप्टन क्या करता है? मूर्ति वाला चश्मा उसको दे देता है। किसको दे देता है? ग्राहक को दे देता है। उधर दूसरा बिठा दिया। उधर कहाँ पर? मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है? कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत करना यानी कि दुखी करना। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है। दरकार होना यानी कि आवश्यकता होना, जरूरत होना, या वो मांग करता है कि मुझे यही वाला चश्मा चाहिए जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, नेताजी से पहले क्षमा मांगी जाती है, लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? हम नेताजी की मूर्ति को बनाया गया था तो चश्मा भी बनाया जाना चाहिए। तो एक और सवाल यहाँ पर हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं। तो ये हमारी पंक्तियाँ दी गई हैं और इन्हीं के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि हम पहले ही हल कर चुके हैं। आइए दोबारा से देख लेते हैं। अब फटाफट से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जल्दी से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। और इस कार्यपत्रक में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जहाँ पर आपको परेशानी हो, जहाँ पर आपको शंका हो, क्योंकि बड़े ही आसान प्रश्न दिए गए हैं और विकल्प भी इस बार बिल्कुल
सही दिए गए हैं। ऐसा कोई विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया जो हमें परेशान कर सकता है। जैसा कि कार्यपत्रक 1, 2 और 3 में कुछ ऐसे विकल्प दिए गए थे जिनको पढ़ने के बाद हमें बहुत परेशानी हुई थी और हम कन्फ्यूज हो गए थे कि कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, लेकिन इस कार्यपत्रक में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा नामक पाठ किस शैली में लिखा गया है? अभी अभी हमने पढ़ा है, व्यंगात्मक शैली में लिखा गया है। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है। किसके बारे में सोचने को मजबूर करती है? देशभक्ति के बारे में। और कैसी कहानी है? व्यंगात्मक कहानी है। काला मोटा और खुश मिजाज आदमी कौन था? पान वाला था, जिसके बारे में हमारी गद्यांश में पंक्ति भी दी गई है। इस पाठ से हमें किस विषय में सोचने की प्रेरणा मिलती है? क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूँ, यानी कि अपने बारे में, अपनी देशभक्ति के बारे में सोचने की प्रेरणा मिलती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेताजी का चश्मा कौन बदल देता है? नेताजी का चश्मा बदलने का काम कौन करता है? कैप्टन करता है। गिराक शब्द से अभिप्राय है, ग्राहक को ही यहाँ स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? गिराक कहा गया है। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाले की क्या प्रतिक्रिया थी? हालदार साहब ने जैसे ही पूछा मूर्ति पर चश्मे बदलने का काम कौन करता है, तो पान वाला कहता है, हंसते हुए कहता है, सबसे पहले तो वो मन ही मन में हंसता है, तो हंसा उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हंसा। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, किसने कहा? हालदार साहब ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जानने के बाद उसको बहुत आश्चर्य हुआ और साथ में वो उससे बहुत प्रभावित भी हुआ कि इस तरह का विचार तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं जो कि कैप्टन के दिमाग में आया। बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? कैप्टन को बुरी लगती थी। कैप्टन को लगता था कि बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा हो रही है और वो बिना चश्मे वाली मूर्ति नहीं देख सकते थे, इसीलिए अपनी दुकान से गिने चुने फ्रेम में से कोई ना कोई चश्मा वहां पर लगा देते थे। दरकार शब्द का पर्यायवाची है। दरकार को हम जरूरत भी कह सकते हैं, आवश्यकता भी कह सकते हैं और मांग भी कह सकते हैं, तो सभी के सभी विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है। ये हमारे कुल 10 प्रश्न थे जो बड़े ही आसान थे, बड़ी आसानी से आप इनको हल कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ, किसी नए आंकलन कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।